दर्द रे मेरी बिगड़ी बना दे। आ रही है मिठाई की दुकान, पुलिस स्टेशन, रपट लिखवाने। बस तुम्हारे बयान देने की देर, उसके बाद हमारा हाथ शीदे की गर्दन पे होगा। हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। किसी वक्त भी शीदा हमारे दरवाजे पे आ जाएगा, बहुत बड़ा तमाशा खड़ा हो जाएगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इतना लंबा सफर किया है मैंने, अब जब मंजिल इतनी करीब है तो क्या वापस लौट जाऊं मैं? आहद आम मर्दों की तरह नहीं, वो तुम्हें तुम्हारे ख्वाब की ताबीर पाने से नहीं रोके, बल्कि साथ देगा। शादी के बाद कानून का काम में मदद करना, इंसाफ दिलाना। हमारा काम हाईलाइट करना है, आवाज उठाना है। कम से कम हम वो तो कर रहे हैं ना। अब तुम क्या चाहते हो मैं क्या करूं शहाना के लिए? जो भी करो, लेकिन शहाना का मीडिया में तमाशा तो ना बनाओ, उसको जलील तो मत करो। शीदा को अगर जमानत ना मिली होती तो अभी तक पुलिस उससे सच उगलवा चुकी होती और शहाना को इंसाफ मिल जाता। नाज़रीन, जिन्होंने बख्तावर ड्रामा एपिसोड 16 तक देख लिया है, अब उनके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आगे इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है। क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है? क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है? क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है, लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं? जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है। और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है, लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा, क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है, क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फ़ाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं? पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है। और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है। हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फौरन से तैयारियां करने शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा उनके घर की तरफ आता है लेकिन बख्तावर सारा कुछ क्लोज कर जा चुकी होती है। नाज़रीन, जिन्होंने बख्तावर ड्रामा एपिसोड 16 तक देख लिया है, अब उनके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आगे इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है। क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है? क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है? क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं। जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फ़ाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं। पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है। और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है। हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुंचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फ़ौरन से तैयारियाँ करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा इनके घर की तरफ आता है लेकिन बख्तावर सारा कुछ क्लोज़ कर कर जा चुकी होती है। नाज़रीन, जिन्होंने बख्तावर ड्रामा एपिसोड 16 तक देख लिया है, अब उनके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आगे इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है। क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है? क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है? क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं। जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फ़ाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं। पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है। और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है। हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फ़ौरन से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा इनके घर की तरफ आता है लेकिन बख्तावर सारा कुछ क्लोज़ कर कर जा चुकी होती है। क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है? क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है, क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं? जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है। और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है, दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है। लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा, क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है, क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फ़ाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं? पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है। और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है, हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा, क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फ़ौरन से तैयारियां करने शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा उनके घर की तरफ आता है, लेकिन बख्तावर सारा कुछ क्लोज कर जा चुकी होती है। नाज़रीन, जिन्होंने बख्तावर ड्रामा एपिसोड 16 तक देख लिया है, अब उनके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आगे इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है, क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है, क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है, क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं? जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है, लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा, क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है, क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फ़ाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं। पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है, हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा, क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फ़ौरन से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा उनके घर की तरफ आता है, लेकिन बख्तावर सारा कुछ क्लोज़ कर कर जा चुकी होती है। नाज़रीन, जिन्होंने बख्तावर ड्रामा एपिसोड 16 तक देख लिया है, अब उनके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आगे इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है। क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है? क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है? क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं। जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है, लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा, क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है, क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फ़ाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं। पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है। और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है, हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा, क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फ़ौरन से तैयारियां करना शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा इनको सारी सच्चाई पता चल जाएगी, लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं। जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है, लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है और नूरा को प्यार करता है। ये सारा सीन दिलावर का बाप देख लेता है और सोचना शुरू कर देता है कि अब वो बख्तावर को घर से निकाल देगा, क्योंकि घर में जो भी मसाइल पैदा हो रहे हैं वो सब उस बख्तावर की वजह से हो रहे हैं। दूसरी तरफ शीदा हुरिया को सिर्फ आधी अधूरी ही सच्चाई बता पाता है, जिस पर उसके हुरिया के गार्ड शीदे को दूर फेंक देते हैं। हुरिया ये सब सच्चाई सुनने के बाद फैसला करती है कि अब वो दिलावर को नीचा दिखाएगी और दिलावर के ऑफिस पहुँच जाती है और मलक दिलावर पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुमने बख्तावर को इसलिए साथ रखा हुआ है कि तुम इसकी बहन के साथ चक्कर चला सको। तब दिलावर ये सब बात सुनकर इनकार कर देता है, क्योंकि मलक दिलावर को अभी तक बख्तावर की सच्चाई का इल्म नहीं होता, इसलिए वो साफ इनकार कर देता है। इन सब के बाद मलक दिलावर के हाथ में बख्तावर की एक फाइल लगती है, जिस पर मलक दिलावर बख्तावर से पूछता है कि ये तुम्हारी बहन है और है तो मुझे कभी तुमने बताया क्यों नहीं। पहले तो बख्तावर जानने से इनकार कर देती है, लेकिन बाद में सोचती है कि सच्चाई एक ना एक दिन मलक दिलावर के सामने ही आनी है, तो क्यों ना अभी ही सारी सच्चाई बता दी जाए। मलक दिलावर सारी सच्चाई सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और परेशान भी होता है कि बख्तावर ने सारी सच्चाई मुझे पहले क्यों नहीं बता दी। कुछ देर सोचने के बाद बख्तावर को कहता है कि तुम ये सारी बात किसी को नहीं बताओगी, लेकिन बख्तावर को माफ़ नहीं करता। उसके बाद हुरिया बख्तावर को नूरा के हरासा केस में जेल में पहुंचा देगी। वहां से सारी सच्चाई हुरिया तक पहुंचती है कि बख्तू ही बख्तावर है। उसके बाद हुरिया गुस्से से मलक दिलावर के पास जाकर पहुंचती है और उसको सारी सच्चाई बताती है कि बख्तू ही बख्तावर है, जबकि मलक दिलावर को सारी सच्चाई पहले से ही मालूम होती है। और मलक दिलावर हुरिया पर चिल्लाना शुरू हो जाता है कि तुम कौन होती हो मेरे मुलाजम पर बोलने वाली। इस सब के बाद इन दोनों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हो जाता है, यहाँ तक कि मलक दिलावर और हुरिया के दरमियान मंगनी भी ख़त्म हो जाती है। हुरिया को बहुत गुस्सा आता है, हुरिया वहाँ से चली जाती है और उसके बाद हुरिया मलक दिलावर और बख्तावर की बहुत बड़ी दुश्मन बन जाती है। और इसके बाद वो दिल में ठान लेती है कि अब वो मलक दिलावर के साथ बहुत बुरा करेगी, इसको बदनाम कर देगी। दूसरी तरफ बख्तावर शीदे के खिलाफ गवाही देकर घर आती है और घर आते ही घर में अपनी माँ को बताती है कि उसने ये सब कर दिया है और मलक दिलावर को तमाम सच्चाई भी पता चल गई है, हमें ये घर जल्द से जल्द खाली करना होगा, क्योंकि शीदा किसी भी वक्त आता होगा और हमें नुकसान पहुँचाएगा, मोहल्ले में बदनाम करने की कोशिश करेगा। उसकी माँ भी परेशान हो जाती है और फ़ौरन से तैयारियां करने शुरू कर देते हैं। उसी दौरान शीदा उनके घर की तरफ आता है, लेकिन बख्तावर सारा कुछ क्लोज कर जा चुकी होती है। नाज़रीन, जिन्होंने बख्तावर ड्रामा एपिसोड 16 तक देख लिया है, अब उनके लिए आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि आगे इंटरेस्टिंग क्या होने जा रहा है। क्या बख्तावर की सच्चाई सामने आने वाली है? क्या बख्तावर पकड़े जाने लगी है? क्या शीदा पुलिस की गिरफ्त में होगा? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, कुछ ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि बख्तावर अब बिल्कुल खुल के सामने आने वाली है। लेकिन साथ ही साथ बख्तावर के साथ बहुत ही आगे कुछ बुरा भी होने जा रहा है। और इसके बाद मतलब आप सोच रहे होंगे क्या दिलावर को सारी सच्चाई बख्तावर की पता चल जाएगी? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, दिलावर को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। लेकिन और साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे होंगे कि क्या दिलावर बख्तावर को माफ़ करेगा कि नहीं। जी हाँ, दिलावर बख्तावर को बिल्कुल माफ़ कर देगा, लेकिन एपिसोड 17 में माफ़ नहीं करेगा, वो एपिसोड 18 या 19 में जाके माफ़ करेगा। पुलिस इंस्पेक्टर जो कि बख्तावर को बार बार कहता है कि अगर तुम्हारी एक गवाही से हम शीदे को गिरफ्तार कर लेंगे, तुम्हारा बस एक दफ़ा अदालत में जवाब देना ही ज़रूरी होगा, जिस पर बख्तावर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और अपने करियर को लेकर डर जाती है और साथ ही साथ उसको अपनी माँ की भी फिक्र होती है। दूसरी तरफ शीदा उसको तंग कर रहा होता है, लेकिन बख्तावर अपनी हिम्मत करके इस बात को मान जाती है कि वो गवाही देने के लिए तैयार है। वहीं बख्तावर गवाही देने के लिए घर से निकलती है तो वो उसको शीदा रास्ते में रोक लेता है और बोलता है कि मिठाई की दुकान किधर जा रही है, जबकि बख्तावर उसको साफ साफ बता देती है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ गवाही देने जा रही हूँ, अब तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ोगे, अब तुम्हारे बुरे दिन शुरू हो गए हैं। वहीं पर शीदा अपनी जान बचाने के लिए हुरिया के बाप की तरफ भागता है, उसी दौरान उसका एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। दूसरी तरफ बख्तावर नूरा को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि सलार एक गलत आदमी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर देगा, तुम उससे लिंक ख़त्म कर दो। नूरा को लगता है कि बख्तावर ये सब कुछ जेलसी में कर रहा है।